दिमाग है आप लोग और हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? हम समझा हमें नागलों का रास्ता पता है। लगता है ये दुश्मन है और नागलोक में बुरी नियत लेकर प्रवेश करना चाहते हैं। खतरनाक लोग हैं ये और हमारे नागलोक को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जवाब दो, यही है ना नागलोक का द्वार? कुछ नहीं जानते नाग देवता, हमें हमारी बेटी कनक वापस चाहिए बस। चिंतित मत होइए नागरानी, उन शैतानों से अपने आप को बचाने के लिए कनक ने अपने आप को कहीं छुपा लिया होगा, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हो ना हो, हमारी बच्ची कनक के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, तभी एक माँ का दिल इतना बेचैन हो रहा है। हमारे बच्चे कनक की आवाज, कनक कनक बेटा, कनक चुप। कनक बेटा आवाज तो यहीं से आ रही थी, दिखाई क्यों नहीं दे रही है? भगवान, कहीं उन तीनों शैतानों ने हमारे कनक को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? सैना थी, क्या हो रहा? पहली बार मुस्कुराते हुए देख रहे हैं आपको, अच्छे लगते हैं। ये क्या हो रहा है? हम जब भी आस्था के साथ होते हैं तो ऐसा क्यों महसूस होता है कि जैसे हम अमृता के साथ हैं? उठो, सुबह हो गई नागिन, अब रोज इसी तरह सुबह होगी और फिर रात, और तुम इसी तरह यहाँ कैद रहोगी। अगर यहाँ से आजाद होना चाहती हो तो बता दो कहाँ है नागलोक। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, नागलोक ना सही, नागमणि के बारे में बता दो। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करें? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानती मैं। तुम जानती भी हो और सब बताओगी भी। वायु, हम
कुछ याद आया? कुछ नहीं याद आया, कुछ नहीं जानती मैं। अभी सब याद आ जाएगा। ये क्या किया तुमने अग्नि? जो किया ठीक किया। बहुत ही मुश्किल से पकड़। अगर ये मर गया तो नागमणि के बारे में कौन था? अपने गुस्से पर काबू रखो मजरिका, मारपीट से कुछ नहीं बना। लेकिन हाँ अगर प्यार का इस्तेमाल किया तो शायद ये कुछ पता हम लोगों बहुत लोगों की जान पर पता नहीं तुम में ऐसा क्या है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन हम अपने दोनों साथियों के गुस्से से तुम्हें ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएंगे। बता दो कहाँ है नागलोक? हम अगर आपको बता भी दे तो कोई फायदा नहीं होगा। नागमणि एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है। नागमणि को हासिल करने की कई सालों से बहुत से लोगों ने कोशिश की है और अपनी जान गवाई भी है। लेकिन मणि है कहाँ? नागलोक की इच्छाधारी अमृता के पास। नागमणि की उत्तराधिकारी हमारी माँ त्रिवेणी जो एक नागरानी है वो भी अमृता से नागमणि हासिल नहीं कर पाई। अमृता नागमणि की उत्तराधिकारी कोई तो है जो मणि हासिल करने की सोच रहा है। कौन हो सकता है? हाँ, वो दादीसा के अलावा कोई नहीं हो सकता। हमने अपना प्यार, अपनी शादीशुदा जिंदगी दांव पर लगाकर अपना बदला पूरा किया है। अब फिर से मणि की रक्षा करने के लिए एक और युद्ध लड़ना होगा। वैसे ही हमारी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं और मणि को पाने की तो हर किसी को इच्छा है। कैसे लड़ेंगे हम इतने दुश्मनों से? कैसे कर पाएंगे हम मणि की रक्षा? अमृता अर्जुन की पत्नी है पर उसने अर्जुन से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की। अपने काका ससुर की हत्या करने की वजह से घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन मनगढ़ंत कहानियों पे हम भरोसा कर लेंगे? तुम्हारे इस खेल तमाशे के लिए हमारे पास वक्त नहीं है अग्नि। तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी है क्या? है एक रास्ता। हम इस नागिन के दिमाग को काबू करके उस नागमणि के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं समझ रही हूँ ये ठीक क्यों नहीं है। मंजरेखा, तुम अपने मकसद से बहक रहे हो अग्नि। हमारे इस खेल में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमें फौरन इसके दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। We'll be right back.
यही है वो मणि जिसके लिए हम इस लोक में आए हैं। इस मणि की सही हकदार तुम नहीं हो कनक। यही वो चीज जो हमें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बना सकती है। इन तीनों हिस्सों में मणि रखते ही ये तीनों हिस्से जुड़ जाएंगे और हम ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अपने कब्जे में कर लेंगे। कभी पूरे नहीं होंगे। नागमणि नागलोक की अमानत, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तरफ ढूंढो, ध्यान से देखिए, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा कि कनक कहाँ होगी। जी नागरानी। बिल्ली के पैरों के निशान। नागरानी, नागरानी। ऊर्जा, क्या हुआ? ये देखिए। ये क्या है? ये बिल्ली के पैरों के निशान है। शक्तिशाली है, ना केवल नागलोक बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा है। ऊर्जा, कोई शक्ति कोई उपाय तो होगा जो इन दुष्टों से हमारी कनक को बचा सके। एक शक्ति है, नागमणि। नागमणि? नागमणि क्या? नागमणि के अलावा और कोई उपाय नहीं है।
आपके हाथ एक बेगुनाह के खून से रंगे हुए और पवित्र मन और पवित्र हम किसी अपवित्र हाथों में नहीं सौंपेंगे। हम अमृता की सहायता नहीं लेंगे, हम उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। इस मुसीबत का हल हम खुद निकाल लेंगे। हम अमृता की सहायता कभी नहीं लेंगे, चाहे सवाल हमारी अपनी बेटी की जिंदगी का ही क्यों ना हो। अमृता। हाँ अर्जुन। क्यों आई हो यहाँ पर, क्यों हमें परेशान करती रहती हो? हमारा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है अमृता। हमने आपसे कहा ना कि चले जाइए हमारी जिंदगी से, क्योंकि हमारा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत कहिए अर्जुन, झगड़ा तो हर पति पत्नी के बीच होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रिश्ता ही खत्म हो जाए। आइए ना हम एक नई शुरुआत करते हैं, हमारे रिश्ते की एक नई जिंदगी। हमारे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। हम आपसे नफरत करते हैं अमृता, नफरत करते हैं आपसे। हम चले जाइए हमारी जिंदगी से, हम कहते हैं चले जाइए। हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आज हम ये कहानी खत्म करके ही रहेंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका ये रचा हुआ एक खेल तो आप हर जगह हर पल क्यों अमृता क्यों क्या बिगाड़ा ये जानने के बावजूद कि आपने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, क्यों हमारे ख्यालों में आती, हमारे ख्वाबों में आती है अमृता? क्यों कि ये आप ही का रचा हुआ एक खेल, इसलिए तो आप हमें उस मासूम लड़की के चेहरे में भी दिखती है जो हमें खुश देखना चाहती है। लेकिन हम आपको आपके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे अमृता। ये प्यार ही है अर्जुन जो हमारे बीच में है, और ये प्यार ही है जो हम दोनों के बीच आ रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप हमारे हैं, सिर्फ हमारे हैं।